Today's protest is an all India protest of teachers, non-teaching and students organization. Never been in such a bad situation as now. This government has dismantled public funded higher education. People can't afford to come to higher education anymore, and school education has also been destroyed. We demand that the government take responsibility for public funded schools and colleges and universities. 10% of the GDP at a minimum must be invested, and this privatization must go. We need regular appointments, fill up vacant posts, regularize those who've been teaching here for many years, and implement the 200-point roster for SCST, OBC, for social justice. Time-bound promotions must take place, and everyone must be given their pension. Bring back the old pension scheme. It's a very historic march because 30 organizations representing every sector in education, which is school teachers, college teachers, professors, students, employees. So it's really historic in that sense. And their one slogan is, save education from this Modi government. See, the last 5 years, this government is trying to suppress our rights related to education. Actually, they are trying to introducing saffronizing of education, saffronizing of curriculum, and suppressing the right of employees and teachers. अगर ये सरकार को हम अपने जगह से हटा नहीं पाएंगे तो देश तहस नहस हो जाएगा। एजुकेशन के ऊपर अटैक बहुत दिन से चल रहा है। इट इज ए पार्ट ऑफ दिस न्यूलिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी। उसमें एजुकेशन इज ए सॉफ्ट टारगेट। वो टारगेट से सरकार का अनुदान धीरे धीरे करके पीछे जा रहा है। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पैसा बांटते जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। सब जो शिक्षा को जिस तरह का सांप्रदायिकरण और उदारीकरण करके बाजार की तरफ ले जा रहा है, उसमें सबके लिए शिक्षा नहीं हो सकता है, समानता नहीं है। मोदी गवर्नमेंट सेज दैट प्राइवेटाइजेशन इज द ओनली वे टू थ्राइव हायर एजुकेशन। एक्चुअली केरला गवर्नमेंट इज शोइंग दैट देयर इज अ क्लियर पीपल्स अल्टरनेटिव। इफ द गवर्नमेंट इज विलफुल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन कैन बी स्ट्रेंथेंड। सबसे पहली बात यह है कि आज किसी भी स्तर पर स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। सब पूरी शिक्षा को बेचने की एक साजिश चल रही है। प्राथमिक विद्यालयों को ख़त्म करके कॉन्वेंट स्कूल खोले जा रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और उच्च शिक्षा में न तो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, न तो वहाँ फेलोशिप कायदे से मिल रही है, सीटें काटी जा रही हैं, और एक ऐसा रोस्टर ले आया गया है जो एंटी रिजर्वेशन है, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर है। Now, if a department-wise, roster is being brought out, this becomes the only post, so where rotation will not be possible, and this is going to be a big blow to the minority community. हम लोग अपना जीवन 60 साल तक, 60-62 साल तक पूरा जीवन लगा देते हैं बच्चों को, समाज को शिक्षित करने में, लेकिन हमारी पेंशन व्यवस्था नहीं, NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको लागू किया गया है, जो कतई नहीं हमें मंजूर है, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो जो हीफा है, बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, पहले भी अब भी, कि जो फंड है यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का वो कम करना है, तो उसको कम करने के लिए ऐसे एक्ट लाए जा रहे हैं। तो फंड वैसे भी कम कर दिया गया है, तो इसलिए जो हीफा बनने का मतलब सेंट्रलाइजेशन करना और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को वित्त की कमी करनी, तो इसका हम विरोध करते हैं। यानी ये चाहता ही नहीं कि देश में सस्ते शिक्षा हो, सबके लिए शिक्षा हो, गुणवत्ता की शिक्षा हो। ये जो आज मार्च है, दरअसल इस मुल्क को बचाने का मार्च है, कि अगर इस मुल्क को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने देना है, सबको पढ़ने का मौका मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए ये ज्वाइंट फोरम बना है, और इसका हिस्सा होना आज इस मुल्क में एक ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा होना। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदल।